नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं चम न्यूज़। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। गैर मराठी विवाद में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक बार फिर आक्रामक नजर आ रही है। रविवार को मुंबई पुणे हाईवे पर स्थित वाशी टोल प्लाजा पर एक कर्मचारी को हिंदी में बात करने पर बुरी तरह पीटा गया। मनसे कार्यकर्ताओं ने उसे घुटनों के बल पर बैठने को मजबूर किया और माफी मंगवाई। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। वीडियो में शख्स के साथ अभद्रता करते हुए नजर आ रहे लोग मनसे की नवी मुंबई इकाई के सदस्य बताए जा रहे हैं। नवी मुंबई के पदाधिकारी जगदीश खांडेकर ने मामले को लेकर कहा, हमें अपने मनसे नवी मुंबई टीम पर पूरा भरोसा है। उन्होंने जो काम किया है वह सराहनीय है, क्योंकि वह व्यक्ति मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के बारे में आपत्तिजनक बात कर रहा था। हम अपने राज ठाकरे जी का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जगदीश खांडेकर ने आगे कहा कि टोल प्लाजा पर काम कर रहे युवक से हमारे कार्यकर्ताओं ने मराठी में बोलने के लिए कहा था। इसके जवाब में उसने राज ठाकरे के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे थे। राज ठाकरे का अपमान करने वाले को इसी तरह पीटा जाएगा। महाराष्ट्र में रहने वाले सभी व्यक्ति को मराठी आनी चाहिए। जो वीडियो सामने आया है उसमें एक शख्स जमीन पर बैठकर माफी मांगता दिख रहा है। वह कहता है, वाशी टोल नाका पर एक ग्राहक से बात करते हुए मैंने आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किया था। मैं गलती से वह शब्द बोल गया, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं राज ठाकरे जी से माफी मांगता हूँ। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। माफी मांगने के बाद वह जैसे ही अपनी जगह से खड़ा होता है, मनसे के लोग उसे पीटने लगते हैं। तो ये थे आज की हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।